यूपी में माफिया राज के एक युग का आज अंत हो गया है। माफियाओं की हेडलिस्ट में एक ऐसा नाम जिसने 90 के दशक में गदर मचा रखा था। आतंक ऐसा कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने में 10 बार सोचती थी। कभी वो खुली जीप में घूमता तो कभी मूछों पर ताव देकर निकलता। गुंडा टैक्स, रंगदारी टैक्स और ठेका टैक्स उसकी आय का जरिया थे। राजनीति में जब हाथ आजमाया तो कभी हारा नहीं। बड़े बड़े राजनेता उसके दर पर नतमस्तक हो जाते थे। आखिर होते भी क्यों ना, क्योंकि पूर्वांचल में वो जीत की गारंटी था। ये नाम है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का, जिसकी बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। बात अगर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली की करें तो देश भर के 8 राज्यों, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे विभिन्न जघन्य प्रकृति के अपराधों के ये मुकदमे हैं। इनमें पंजाब में 1 और दिल्ली में 3 मुकदमे दर्ज हैं। बाकी मुकदमे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़ और मऊ समेत अन्य जिलों में दर्ज हैं। 19 साल से जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पिछले 1.5 सालों में 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। 13 मार्च 2024 मुख्तार अंसारी पर फर्जी लाइसेंस केस में आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत आरोप सिद्ध किया गया था। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा 2,02,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। 15 दिसंबर 2023 रुंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा था। 25 फरवरी 2023 आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल का सश्रम कारावास और 5,55,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। 5 दिसंबर 2022 गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि मुख्तार अंसारी को 2 मामलों में राहत मिली हुई थी। आर्म्स एक्ट और 5 टाडा एक्ट के तहत नई दिल्ली में दर्ज केस में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से 25 फरवरी 2003 को सुनाई गई सजा के खिलाफ एक अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2005 को इस मामले में सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था।